तो यहाँ पे अपेरेंटली मतलब चीप है यूएस से या नहीं? Subscribe to YPM Vlogs and click the bell icon. Well, so what is up guys? YPM Vlogs back here. तो भाई पेरिस में सबसे बड़े स्टोर के आगे खड़ा हूँ, LV के। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टोर है। तो चलते हैं इसके अंदर। क्या खरीदना है आपको आंटी आज? बैग। बैग लेना है इनको। कौन सा? बुल्गारी। इनको लेना है बुल्गारी का बैग। और मेरे को खरीदना है एक शू। कौन सा वाला शू है चलो दिखाता हूँ। और अपने करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। ये होने वाली है मेरी बर्थडे शॉपिंग। Well, so what's up guys? YPM Vlogs back here. इसके अंदर जाने के लिए वेटिंग है यार, क्या सीन है ये। अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा एलवी का स्टोर। पहले अपनी जो शॉपिंग है ना वो निपटा लेते हैं और फिर आते हैं। क्या हुआ? अच्छा हाँ, सारा का सारा स्टोर है एलवी का स्टोर है। इन्होंने तो पूरा अपने मोहल्ला खड़ा कर लिया पेरिस के अंदर। भाई फुल वाइब आ रही है मेरे को, ऐसा ऐसे मैं न्यूयॉर्क के अंदर हूँ। पूरी वाइब वाइब आ रही है। वो देखो सामने आग दे ट्राइम्फ है। इतने बंदे क्यों खड़े हैं यहाँ पे? लाइन नहीं है भाई, बंदे खड़े हैं यहाँ पे। प्रोटेक्शन सर्कल ये लिखा है इनकी जैकेट्स पे। गाइस ये देखो यहाँ पे, ये वाला पर्स है जो ये देख रही है। तो यहाँ पे अपेरेंटली मतलब चीप है यूएस से या नहीं? कितना कुछ आता परसेंट का फर्क यहाँ पेरिस से? और यहाँ पे आपको 12% जो चीज है उसके पैसे वापस अलग मिलेंगे। तो फायदा ही फायदा है। जैसे जो ये बैग है इनको 3 लाख का पड़ जाएगा, बिकॉज ये 3400 का है ना, तो 3,40,000 रुपये हुआ था, ऑलमोस्ट 3400 रुपये वापस ही आ जाएंगे। सही है यार, यहाँ पैरिस में तो बहुत सस्ता है, बिकॉज यहाँ सब कुछ बन रहा है पैरिस के अंदर। जो लुई विटन ब्रांड है भी पैरिस का ही है भाई। ये एप्पल स्टोर है यहाँ पे, बट एक्सपेक्टेड कि बहुत बड़ा होगा। छोटा सा एप्पल स्टोर ही है। और देखो इतना सही बनाया हुआ है, वैसे बनाया अच्छा हुआ है ना। यहाँ सारे ब्रांड्स हैं, केंजो, प्राडा, अरमेज, एलवी का तो इतना बड़ा स्टोर है। बट वहाँ जाके नहीं जाने के लिए अंदर वेटिंग है आधे घंटे की। सबसे फॉर्स एरिया यही है यहाँ का, जहाँ पे लैम्बोर्गिनी, जी-रैगन वगैरह सब दिख रही है मेरे को। भाई बॉलमिन के स्टोर में आए हैं और अब देख रहा हूँ उसको, कितने सही लग रही है। देखना जरा। मैंने आज तक देखा नहीं था ये बॉलमेन, और अब देख रहा हूँ तो पता लग रहा है कुछ है चीज अलग सी शेप है। इतना इसका डिजाइन फ्यूचरिस्टिक है ना, दुबई के अंदर नहीं मिलता ये। वहाँ पता नहीं कैसा स्टोर है बॉलमेन का, अजीब सा। यहाँ तो सब कुछ भाई एक नंबर बॉलमेन की चीजें हैं। ये मेरे को बहुत सही लग रहा है, पर्पलिश विद ब्लू। अब इनसे बोलता हूँ कलर्स हरे दिखा देंगे, पर रेड एंड गोल्डन भी है। बट ये फीका फीका सा लग रहा है बाकी सबके आगे ना। मेरे को थोड़ा ऐसा कलर चाहिए जो बहुत लाउड लगे। यार यहाँ पे लोगों के कपड़े मैं देख रहा हूँ, सच में ये फैशन है। मेरे को मम्मा ने कहा पे कहा था कि जाके देख कर आइयो, बहुत अलग कपड़े पहनते हैं यहाँ पे लोग। अब आ रहे हैं हरे कलर्स वगैरह जो अवेलेबल इनके पास UK 13 के अंदर। लेट्स सी कौन सा वाला फाइनलाइज करता हूँ और यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो क्या रहती है। बाय कलर अभी ये वाला शू आया है मेरे पास में वाइट, और ये सही लग रहा है। बट मैं वाइट तो नहीं लूँगा, बिकॉज यू नो गाइस नो कि मेरे को बड़े कैची कलर्स चाहिए। तो ये ठीक हो गया साइज, तो 46 है मतलब, यानी कि ये हुआ UK 12 US 13। यार इनका पूरा स्टोर खाली पड़ा है और स्टाफ इतना ढीला है ना, अब समझ है स्टोर इनका खाली क्यों है भाई। इतना देर लगी, 15 मिनट तो उनको लगी गया यार। जब भी आप ऐसी कोई खरीदते हो ना चीज़ें पेरिस में, तो आपको ये शैम्पेन वगैरह सर्व करते हैं। तो अभी तीनों शैम्पेन पियेंगे इसके साथ में। वैसे शैम्पेन खोल नहीं पी रात को आज मामू, तो अपना लगा बड़ा काम में, बहुत ज़्यादा ही बिजी रहता है मामू हमेशा। मैं हमेशा मैं दूर रहता हूँ। एक बार कॉर्क गिर गई थी मुँह पे आ गई थी। शूज़ भाई मैंने ले लिया, मेरे को इसमें मिलेगा टैक्स रिफंड ऑलमोस्ट 13,000 मेरे को उसमें वापस मिलेंगे। तो अभी कितने के पड़े हैं? 1 लाख के पड़े हैं ना। वो कहने ब्लॉग क्यों बना रहा है। बर्थडे शॉपिंग हो गई है भाई, कब से चाहिए था ये वाले बॉलमिन यूनिकॉर्न। और जो स्टाफ था ना उनसे फॉलो भी करवा लिया मैंने, बोला सब्सक्राइब करो और फॉलो करो, है ना मामी? Yeah. अब कहाँ चल रहा है? प्राडा। प्राडा, yes, चलो चलो प्राडा चलते हैं। मतलब आज को लग रहा है नोट खर्च करने का दिन है मामू। वही अरे आप छतरी भूल गए, छतरी देने गया था मामू। गाइस यहाँ पे देखो शोरूम है लोटस का, और अंदर खड़ी है इनकी नई वाली जो आई है ना ईवी SUV। वो शॉपिंग के बाद ना भाई यहाँ पे बियर भी रहे हैं 1664 के, यहाँ की ब्रांड है लोकल। वैसे यहाँ पे देखो लैग शॉपी भी थी मामू की दोस्ती थी दुबई में। होता है 12 बजे, घूमते रहो घूमते रहो, चलो 12 बजे भाई। इतना बड़ा क्रिसमस ट्री लगाया हुआ है यार, क्रेजी। अब जो पर्स है ना भाई वाला खरीदना है हमने। कौन से वाला? बुल्गारी। कितने का था वो? 3,40,000 रुपए का। यस वो वाला पर्स भी खरीदते चलो जल्दी जल्दी। आज शॉपिंग कम से कम हो जाएगी 5 लाख रुपए की, ये मान लो आप। आंटी ऐसे भाग रही थी, ऐसे पता नहीं क्या हो गया, वो ऐसे भागी हैं।
हम वो क्या लिखा हुआ पासपोर्ट पे, आई डू व्हाट शी सेज, ये क्या लिखा हुआ पासपोर्ट पे, यही हो रहा है देख, जो हो रहा है, आई डू व्हाट शी सेज, और उन पे क्या क्या लिखा हुआ है, आई डू. अच्छा मामी कह रही बस पर्स ले लो, शैंपेन वैम्पेन सब छोड़ दो. बैग नहीं है यार, मतलब इतना महंगा बैग लिया इनके पास, वो नहीं है बैग. भाई अब हमारा खर्चा हो गया आज में 5 लाख रुपए का, है ना, कैसा लग रहा है? मामू भी तो मम्मा जैसा है. bye bye, bye bye. मम्मा भी ये बोलती है जो दिल करता है ना वो ले लो, और सेम मामू के साथ भी सीन है, जो दिल करता है वो करो. नाइकी स्टोर तो बहुत बड़ा है यार यहाँ पे, और ये पूरा फैशन स्टोर है नाइकी का, ऊपर भी है वो भी देखते हैं अभी क्या क्या अवेलेबल है. जॉर्डन्स वगैरह भी देखता हूँ, बहुत क्रेजी कलेक्शन है यार यहाँ तो, टी शर्ट्स वगैरह की देख रहे हो. इतना बड़ा नाइकी स्टोर मैंने देखा नहीं, मैंने देखा है वर्ल्ड का सबसे बड़ा नाइकी स्टोर जो मॉल के अंदर है, मॉल वाला तो दुबई मॉल के अंदर ही है. अभी मैं जा रहा हूँ थर्ड फ्लोर पे, यहाँ पे कुछ अच्छा था मेरे को लग नहीं रहा, शूज़ वगैरह के अंदर भी सब कुछ नॉर्मल चीज़ें ही पड़ी हुई हैं. पेरिस में अच्छा कलेक्शन नहीं मिल रहा है मेरे को नाइकी का. गाइस देखो यहाँ पे क्या खड़ा है, लैम्बोर्गिनी. ये गाड़ी दिखी है हमें यहाँ पे, ये गाड़ी नहीं पता नहीं क्या ही है भाई, मजाक. स्पेशली भाई मैंने आउटफिट अपना चेंज करा है और ये पहने हैं शॉर्ट्स और टी शर्ट. बिकॉज इसके मैंने यार बोलते ना कि सब लोग मुझे पता ये बोलते हैं शॉर्ट लड़का है शॉर्ट्स वाला जो शॉर्ट्स पहनता है, तो इसलिए भाई मैंने जान के वाला आउटफिट अभी लिया है और पहनने वाला हूँ भाई अभी कुछ ऑलमोस्ट 5 डिग्री सेल्सियस के अंदर ये वाले कपड़े. तो मामू भी क्या सीन है फिर, मजा आएगा? ठीक है, आंटी भी पूरा देखो तैयार हो रखी हैं, पर मैं देखो अकेला इसमें आया हूँ शॉर्ट्स. मामू ने बोला ये शॉर्ट्स क्यों पहन ली, मामू लेकर आए हैं एक नंबर की जगह पे. बट अगर अभी हो रहा होता ना स्पार्कल तो आधा मजा आता, बट कोई नहीं जगह अच्छी है. देखो अभी पूरा मामी तैयार हो रही है यहाँ पे. ये देखो BTS फोटो शूट के. The next day. Apparently अभी सेकंड डे है और अभी आ चुके हैं एक और बैग लेने के लिए, कल तो बुल्गारी लिया था और साथ में अब ले रहे हैं YSL. यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं शूज वगैरह के, बट मेनली YSL आई थिंक सिर्फ वुमेन के लिए है. पर्सेस यहाँ पे बहुत सही सही है इनके पास में, सेंट लॉरेंट. मम्मा के लिए सेम बैग लिया है लाल रंग के अंदर बर्गंडी में, सही है वो वाला. मेरे को पहली स्पोर्ट्स कार दिखी है यहाँ पे, फरारी, वो भी एक भी एक नंबर लग रही है. तो भाई आप लोगों ने पूरा आज का व्लॉग देखा मेरा, कैसा लगा बताना कमेंट के अंदर. जस्ट सी कितना सही लग रहा है गिटार होते हुए आईफिल टायर. अभी तो खत्म करते हैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे ही. बाय बाय.